ममता जी सिस्टम के खिलाफ, देश के खिलाफ, वो राज्य को देश समझती हैं, वो ईर्ष्यालु टाइप की महिला हैं, इसलिए वो कुछ भी बोल सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, उनको सिस्टम से मतलब नहीं है, देश से मतलब नहीं है और सद्भाव से मतलब नहीं है, वो ईर्ष्या में विश्वास करती हैं। तो उनके पास तो नरेंद्र मोदी ही एक मुद्दा है। जब तक उनके परिवार के लोग भारत का प्रधानमंत्री न बन जाए, जब तक उनके परिवार के अंदर में याचना करने वाले कोई सरकार न बन जाए, तब तक उनको बड़ा मुद्दा है, वो संघर्ष करते रहें, संघर्ष करती रहेंगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जब समर्थन भारत सरकार को सदन में समर्थन है, तो इनके विरोध करने से क्या होगा? जो देश हित में होगा, जो राज्य हित में होगा, जो जनता के हित में होगा, वो कोई भी सरकारें काम करती है, और हमारी सरकार भी कर रही है। नहीं, ये वही बता सकते हैं, चूँकि वो अब कैसे उसको चोट लगा नहीं लगा, ये कॉलेज के अंदर का बात है और छात्र का बात है, इसके बारे में मैं विस्तृत रूप से कुछ मैं नहीं कह सकता हूँ। वो ठीक ही कह रहे हैं, ये लोगों का काम ही है दुष्प्रचार करना, और दुष्प्रचार के आधार पर लोगों को डरा धमका के कुछ खास समुदाय के लोगों में भय पैदा करके अपना ई वोट बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि उतना विवेक भी नहीं है कि दुष्प्रचार भी कैसे किया जाए, इतना विवेक राहुल गांधी जी को नहीं है, फिर भी लेकिन इनकी पार्टी और इनके जो चट्टे बट्टे हैं वो दुष्प्रचार करने में लगे रहते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।